हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और दोस्तों मानसून का समय आ गया है, अब समय है हमें अपने गार्डन में कुछ ज़रूरी काम कर लेने की। और क्या क्या इन ज़रूरी कामों को करना है वो सब मैं आपको वन बाई वन बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहें और इन्जॉय करें। दोस्तों मौसम बहुत ही सुहावना है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी इस सुहावने मौसम का थोड़ा लुत्फ उठा लीजिए। दोस्तों हर तरफ कितनी फ्रेशनेस है ना, कितनी ताजगी है ना, यही तो फ़ायदा है मानसून का, हर प्लांट फ्रेश हो जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी पॉट्स की खूब अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। इसके कुछ फ़ायदे हैं वो मैं आप सभी को बताती हूँ। देखिए इस तरह से हम लोगों को पॉट को चारों तरफ से गुड़ाई कर लेना है, मिट्टी हल्का कर लेना है इस तरह से, देखिए, ताकि जो भी हम लोग बारिश में पानी पॉट में जमा हो वो हमारा पॉट में तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाए। क्योंकि अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो देखिए इस तरह से काई जम जाएगी, मिट्टी एकदम सख्त हो जाएगी, देखिए इस तरह से, और जो भी बारिश का पानी हमारे पॉट में जमा होगा वो ड्रेन आउट आसानी से नहीं होगा। और देखिए ये काई भी बहुत सारे इंसेक्ट्स को, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जो पॉट की हम लोग गुड़ाई कर लेंगे उसकी मिट्टी हल्की हो जाएगी तो ड्रेनेज अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों को हर पॉट के ड्रेनेज होल को भी चेक करना है, मिट्टी तो हल्का करना ही है साथ ही ड्रेनेज होल को भी अच्छे से चेक करना है, ताकि कोई भी ड्रेनेज होल अगर जाम हो तो उसे हम लोग खोल देंगे। देखिए इन सभी को वाटरिंग होते होते कहीं ना कहीं कुछ दिनों में ड्रेनेज होल जाम हो जाता है। तो जिन पॉट का ड्रेनेज होल जाम हो गया तो उसको इस तरह से पतली किसी नोकीली चीज़ से इस तरह से खोल देनी है ड्रेनेज होल को हम सभी को, ताकि वेल ड्रेन बना रहे हमारा पॉट। और जितना भी सरफेस है हम लोगों की गार्डन की, पॉट्स को हटाकर अच्छी तरह से सफाई हम लोगों को कर लेनी चाहिए, ताकि कभी भी पानी जमे नहीं और हमारे टेरेस पे सीपेज का कोई भी खतरा ना रहे। और जितना भी हम लोगों का पॉट है सब में से वीट को हटाना है और अच्छे से प्लांट्स को हम लोगों को चेक करना है। और ये देखिए मुझे क्या दिखा, ये दिखा मिली बग। तो इसी तरह हमें अपने सारे प्लांट्स को ध्यान से देखना है, कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं है। क्योंकि जब हम लोग गर्मियों में प्लांट्स को पास पास रखते हैं तो वो उस समय के लिए सुटेबल होता है, लेकिन मानसून के लिए ये सही नहीं होता है। तो अगर एक प्लांट में इन्फेस्टेशन लग जाएगा तो सभी प्लांट में इन्फेस्टेशन लग जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉपर चेक करना है और जो भी ख़राब हो रहा है प्लांट्स उन सभी को हटा देना है। और इतना अभी हम लोगों को सेव भी कर सकते हैं, और सेव करने के लिए ये गजानिया का है तो इतना फोलियज की ज़रूरत नहीं होता है। और ये गर्मी तो अच्छे से ये झेल लेता है पर बारिश गजानिया नहीं झेल पाता, अभी तक तो अच्छे से ब्लूमिंग हो रहा था। और ये इतना हम लोग लेकर अगर इसको विंटर के लिए सेव करना चाहे तो बस इतना लेना है और इसको किसी भी पॉट में हम लोगों को डाल देना है, और इतना काफ़ी है, क्राउन पॉट के ऊपर रखे और बाकी को हम लोगों को हटा देना है, क्योंकि ये फिर बाकी कीट पतंगों को भी बुलाएगा। और कितना सुंदर लगता है ना दोस्तों, बारिश में हमारा बगिया खिल उठता है, सारे पेड़ पौधे बहुत ही फ्रेश लगते हैं। और जो भी हम लोग क्रिसैंथेमम की कटिंग्स को, मदर प्लांट्स को सेव करके रखे थे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहीं से मैं कटिंग लूँगी। और एक उसी में मॉर्निंग ग्लोरी हो गया था ग्रो। और जितने भी जो भी पेड़ पौधे हम लोग के सकुलेंट, कैक्टस या जिनको बारिश के पानी से खतरा रहता है उनको शेड में रख देना है। देखिए इस तरह से मैंने विंका को उठाकर रख लिया, क्योंकि विंका को खास करके बहुत ही बारिश का पानी नुकसान करता है, फंगस अटैक होता है। और हम लोगों को कटिंग्स ग्रो करने के लिए ग्रो बैग्स और छोटे छोटे पॉट्स को तैयार कर लेना है,
ताकि मिट्टी भरकर, ताकि हम लोग फटाफट जब हम लोग को कटिंग मिले और हम लोग फटाफट से उसमें कटिंग लगा लें। और ये देखिए, ये मैं सॉइल रेडी करके रखी हुई हूँ, तो इसी को मैं पॉट्स में डालूँगी और ठिकरी लगा दे रही हूँ ड्रेनेज होल में, और फिर मैं इसमें मिट्टी डालकर इसको तैयार कर रही हूँ। तो आप सभी भी इस तरह से तैयार रखें कटिंग के लिए। लेकिन जब हम लोग कटिंग लाते हैं तो फिर उस वक्त तैयारी करेंगे तो काफ़ी देर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कटिंग्स को हम लोगों को जल्द से जल्द लगा लेनी चाहिए, कटिंग्स ख़राब होने के पहले ही, सूखने के पहले ही। तो मैं ये पॉट्स को रेडी कर रही हूँ। आप सभी भी इस तरह से पॉट्स, ग्रोइंग बैग, जो भी अवेलेबल हो, और ये क्रिसेंथेमम की कटिंग्स मैं मदर प्लांट से लाई हूँ, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं और पिंचिंग कर करके बहुत ही बूसी कर सकते हैं और विंटर में इसकी फ्लावरिंग का आनंद ले सकते हैं। और इस तरह से नीचे की पत्तियों को मैं हटा दे रही हूँ और दो नोड मिट्टी के अंदर दबा दे रही हूँ। तो इस तरह से आप सभी भी अभी वक्त है क्रिसेंथिमम और अदर्स कटिंग्स को भी आप लगा सकते हैं। बारिश का ऐसा सीजन होता है कि आप जिस चीज़ की भी कटिंग लगाओगे वो 100% तो सक्सेस होनी ही होनी है। बस आप लोग या तो सॉइल मीडिया में लगाइए, कोकोपीट में, या फिर सैंड में लगाइए। लास्ट ईयर मैंने आपको बताई थी क्रिसेंथिमम की कटिंग कैसे लगाते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सभी चेक कर लेना दोस्तों। और उसके बाद फिर इस तरह से अपने गार्डन में जो भी पॉट्स वगैरह में पानी ये सब जमा है उसको भी गिराते जाइए। ध्यान रखिए कि कौन सा ड्रेनेज होल पॉट का ख़राब है, किस पॉट में पानी जम रहा है, तो इस तरह से नहीं छोड़ना है, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाता है। रूट रॉट बहुत ही ज़्यादा बारिश में होता है, तो सारे पानी को इस तरह से गिरा दीजिए और फिर से ड्रेनेज होल को ठीक कर लीजिए। और जो भी वीड वगैरह है टाइम टू टाइम वापस निकालते रहें दोस्तों। और हर बारिश का मौसम में बहुत ही ज़्यादा घास वगैरह उगता है, ग्रो हो जाता है, चाहे वो आप ग्रोइंग बैग में लगाएं या आप पॉट्स में लगाएं, तो ध्यान देकर सारा निकालते रहें। और इस तरह से, और जो भी आप कचरा निकाले गार्डन से, वीड जो भी आप निकाले, और पॉट में देखिए कितना पानी जमा हो गया है। तो इस तरह से ड्रेनेज होल इसका ठीक करना है और पानी भी गिरा देना है। और जो भी आप निकालते हैं कचरा वगैरह, उसको आपको गार्डन से दूर ले जाकर फेंकना है, गार्डन में ही जमा मत करें, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा इन्फेस्टेशन लगता है दोस्तों, और बहुत तरह तरह के कीट पतंगे, और ये देखिए वाइट कलर का स्पाइडर है ये, तो इस तरह के काफ़ी कीट पतंगे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे। तो और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होता है, जैसे ये बटरफ्लाई वगैरह तो हमारे गार्डन की शोभा है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स हमारे पौधों को बहुत ही हार्म करते हैं। कैटरपिलर्स वगैरह बहुत ही ग्रो होते हैं, स्लग्स और स्नेल्स बहुत ही आते हैं, तो उन सब के लिए रेगुलर हम लोगों को उसका उपाय करना होगा और गार्डन में छिड़काव भी करना पड़ेगा नीम ऑयल का, या ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गया तो इमिडाक्लोप्रेट का स्प्रे करना होगा हमें हमारी बगिया में। तो बहुत ही केयरफुली अभी हम लोगों को रहना है। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। दोस्तों जिन पौधों को हम लोग कटिंग से ग्रो किए हैं, अब समय है उन सबको रिपॉट करने की। और ये क्रोटन मैंने कटिंग से ग्रो की है, तो जिन पौधों को आप रिपॉट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सही समय है रिपॉट करने के लिए। और बेली, जूही, मोगरा, जासमिन, इन सब की भी कटिंग आप इस वक्त लगा सकते हैं, काफ़ी इजीली ये आसानी से ये कटिंग ग्रो हो जाएंगे। मैरीगोल्ड के भी कटिंग लगा सकते हैं, आप सभी इजीली ग्रो होते हैं और ये सही समय है मैरीगोल्ड की कटिंग लगाने की। और स्थल कमल देखिए ये है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, साथ ही कुछ कोलियस वगैरह की भी मैंने कटिंग लगाई थी जो कि तैयार है, लग गई है। कोलियस की कटिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि लगाओ और तुरंत लग जा रहा, अभी तो कोलियस में एरियल रूट्स भी निकल रहे हैं। जेट्रोपा की भी कटिंग लगा सकते हैं। और जो भी आपके हिबिस्कस वगैरह है, इन सभी में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो उनको खाद वगैरह भी प्रोवाइड कर दीजिए। साथ ही देखिए कि कली पीला हो रहा है, झड़ रहा है, तो उन सभी का उपाय करना है, अच्छे से स्प्रे करना है दोस्तों। और मल्चिंग वगैरह किए हैं अपने परमानेंट प्लांट में, तो उन सभी मल्चिंग को भी हटा दें। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा हो, और अगर कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछें। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन।